नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आपके सामने सीटेट के दिसंबर में होने वाले पेपर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लेकर। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितना आपको फीस लगेगा, कब आपका पेपर होगा, सभी कुछ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन आपका 19/8/2019 से शुरू होगा और 18/9/2019 तक चलेगा। और आपके एग्जाम की डेट भी यहाँ पे क्लियर दे दी है कि आपको 8 दिसंबर 2019 को आपका पेपर होने वाला है। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उसी को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी वाला पेज आ चुका है। इस एलिजिबिलिटी वाले पेज में देखिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप इस पेपर को दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे, एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर। ध्यान दीजिएगा, पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि आपको जो है जो BTC कर रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जो है DLED जिसको बोला जा रहा है या BLED जिसको बोला जा रहा है, उन सभी के लिए यहाँ पर सभी चीज दिया गया है। आप पूरा पढ़िएगा तभी उसको आप लोग अप्लाई करिएगा। देखिए फाइनल ईयर में होना चाहिए, ये एग्जाम यहाँ पर इन्होंने क्लियर कह दिया है, यानी फर्स्ट ईयर वाले इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट में क्या कहा है, फिर से वही चीज कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4th ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED की बात कर रहा है। और यहाँ पर सीधे नीचे आपको एक और चीज दिया गया है, ये आपका जो ये स्पेशल एजुकेशन होता है 2 ईयर डिप्लोमा में, उसके बारे में भी दिया है। और यहाँ दिया हुआ है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन या BEd। देखिए भाई, यहाँ पर आपको जो है एकदम क्लियर ये बता रहा है कि किस किस के अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं, और या आपने ग्रेजुएशन के साथ BEd कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस चीज को आप एकदम अच्छे से समझ करके तभी फॉर्म को भरिएगा, ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर दें और आपके पास ये एलिजिबिलिटी ना हो। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है अपर प्राइमरी की बात करते हैं, यानी 6 से लेकर 8 तक की बात करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए जो दी गई है वो सभी चीजें यहाँ लिखी हुई है। देखिए, ग्रेजुएट एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2nd ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और अपीयरिंग इन 1st ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डेंस विद द NCTE recognized issues from the time to time and regarding। तो ध्यान दीजिएगा कि सभी चीजें यहाँ पर एकदम क्लियर आपके सामने इन्होंने रख दी है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी एलिजिबिलिटी को ढंग से समझ लें, उसी के बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि आपके जो है कितनी फीस लगने वाली है इस फॉर्म को भरने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में क्लियर दिया गया है कि एग्जामिनेशन जो आपका है फी फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जनरल OBC के लिए आपकी 700 है ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी अगर आप केवल एक पेपर डालते हैं तो आपको 700 देना होगा, लेकिन अगर आप बोथ पेपर यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 1200 रुपए देना होगा। SC ST या जो है आपके जो है डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं इनके लिए 350 रुपए अगर वो एक पेपर देते हैं, चाहे पहला दें या दूसरा, और अगर दोनों पेपर देते हैं तो उनको 600 रुपए जमा करने होंगे। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस किस आपका पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका जो पेपर फर्स्ट है जो क्लास 1 to 5 तक के लिए होता है प्राइमरी स्टेज पे, देखिए यहाँ पर आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है, कंपलसरी है ये, 30 नंबर का जो है आपका पेपर रहेगा ये, मतलब कि इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे। इसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी आपके लिए कंपलसरी रहेगा जिसमें आपको जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड भी आपके लिए कंपलसरी है और आप जो है 30 MCQ में भी रहेंगे और वो भी आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है और एनवायरमेंटल स्टडीज रहने वाला है। तो ये सभी चीजें आपको अगर आप जो है पेपर फर्स्ट का जो है पेपर दे रहे हैं तो ये आपके लिए इसका जो है ये सारी चीजें आपको पूछी जानी है। अगर आप जो है अपर प्राइमरी यानी जो है 6 to 8 के लिए देखते हैं तो वहां के लिए आपका क्या है, देखिए
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ये आपके लिए रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट आपके लिए रहेगी, लैंग्वेज सेकंड रहेगी, और इसमें इन तीनों के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स या मैथ यानी साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए मैथमेटिक और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जो है टोटल संख्या कितनी रहेगी, 60 रहेगी। लेकिन अगर आप जो है आप आर्ट साइड से हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, ठीक है, तो इसके आपके लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे। यानी तब आप जो है अगर आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं और साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर आप आर्ट के हैं तो आपको जो है कौन सा, सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस के क्वेश्चन करने को रहेगा। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए थी जो आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ दी गई हैं, नीचे पूरा पूरा आपको जो है यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आइए मैं उस सिलेबस पे भी लेकर के चलता हूँ आपको। ये देखिए पेपर फर्स्ट में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में यहाँ पे पूरा पूरा आपको जो है पूरा सिलेबस दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग आप जो है तैयारी अपनी करिएगा। पूरा आपको सिलेबस दिया है, कोई भी चीजें यहाँ पे इसने छोड़ी नहीं है। तो ये जो आप ये सिलेबस देते हैं, इन्हीं सिलेबस में से आपका जो है क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किन लोगों को इसमें अप्लाई करना है, कैसे आपको पेपर देना है। ऑनलाइन जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे सीटेट की वेबसाइट से। इसके अलावा दोस्तों इसकी तैयारी के लिए मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं जितनी भी वीडियोस आपके लिए लाऊं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।